नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह और टैली के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टैली का ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले 6 लेक्चर्स के मैंने वीडियोस डाल रखे हैं। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 1 से वीडियो को देखें, ताकि एक एक चीज़ उनको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वाउचर एंट्री के बारे में। वाउचर एंट्री हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी किया था, लेकिन उसमें बहुत ही कम लेजर्स थे। इसमें थोड़े से ज़्यादा लेजर्स की वाउचर एंट्री देखेंगे। और दोस्तों, इसमें मैं असाइनमेंट भी दूंगा आप लोगों को करने के लिए। उस असाइनमेंट्स को आप लोग करिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर से मैच करेंगे। दोस्तों, ये हमारा असाइनमेंट नंबर 2 दिया हुआ है। अब ये सारे लेजर्स दिए गए हैं। इसका अमाउंट दिया गया है कैपिटल 50 लाख रुपये, बैंक डिपॉजिट 25 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये पूरा हमारा असाइनमेंट नंबर 2 है। ये पूरा आप लोग देख लीजिए। मैं नीचे तक स्क्रॉल कर देता हूँ, स्क्रीन को पॉज करके आसानी से आप लोग सारे असाइनमेंट्स को नोट कर लीजिए। फ्रेट तक है। अब दोस्तों, इसकी हम लोग एंट्री करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। तो आइए टैली में चलते हैं। यहाँ पे टैली में गए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नई कंपनी क्रिएट कर लेंगे। कंपनी क्रिएशन मैं बता चुका हूँ, ऑल प्लस F3 क्रिएट कंपनी में जाएंगे। यहाँ से हमने कंपनी का नाम, जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं हीरो एंड सन्स, एंटर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे स्टेट ले लेंगे, यूपी, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे डिटेल्स देने के बाद कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे इसको। दोस्तों, कंपनी हमारी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट होने के बाद सेकंड स्टेप होता है हमारा लेजर क्रिएट करना। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे गए, लेजर पे गए और यहाँ से हमने क्रिएट कर दिया। क्रिएट पे जाएंगे, एंटर करेंगे। अब लेजर क्रिएट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास कैपिटल का लेजर है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का अंडर कैपिटल अकाउंट ही होगा दोस्तों। ये एंटर करेंगे, हम सेव कर देंगे। दोस्तों, स्किप करके बाहर आ जाएंगे। आज मैं लेजर क्रिएट करने का एक दूसरा तरीका बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ से देखिए, ऊपर सिंगल एंट्री सिंगल लेजर क्रिएशन लिखा हुआ है, नीचे मल्टीपल लेजर्स लिखा हुआ है। दोस्तों, मल्टीपल लेजर्स में जाएंगे और इस वाले क्रिएट पे क्लिक करके एंटर करेंगे। और यहाँ से कैपिटल का बन चुका है, बाकी सारे लेजर्स यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे। तो दोस्तों, ये लेजर्स हमारे बन रहे हैं, बैंक का ICICI बैंक अंडर, यहाँ पे बैंक अकाउंट ले लेंगे दोस्तों। बस दो जगह हमें ध्यान देना है, एक लेजर का नाम यहाँ पे और दूसरा इसका अंडर। ओपनिंग बैलेंस हमें नहीं देनी है। ओपनिंग बैलेंस हम लोग तब देते हैं जब हमारी कंपनी पुरानी होती है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर से ट्रांसफ़र होकर डिटेल्स हमारा नए फाइनेंशियल ईयर में जाता है। तो दोस्तों, अभी हमारी कंपनी नई मान के चल रहे हैं, इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस नहीं देंगे यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस के बारे में आगे हमारा लेक्चर आएगा, उसको देखेंगे आप लोग पूरी डिटेल से। नेक्स्ट लेजर है हमारा परचेज, अंडर परचेज अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट लेजर है, यहां से देख लेंगे दोस्तों, यहां से लेजर्स देख लेंगे। कैपिटल का बन गया हमारा, बैंक डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए हमने एक बैंक का लेजर बना लिया। परचेज कैश, परचेज बैंक एंड परचेज ABC। दोस्तों, यहां पे परचेज कैश, बैंक और ABC 3 बार दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक जगह से आप खरीदारी करते हैं, उस पर्सन को आप कैश पेमेंट कर देते हैं। दूसरी जगह से जब आप खरीदारी करते हैं, उस दुकानदार को आप चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं, तो वो आपके बैंक से डिडक्ट होगा, ये आपका चेक बैंक परचेज बैंक कहलाएगा। तीसरे जगह से जब आप खरीदारी करते हैं, तो आप उसको ना ही कैश पेमेंट करते हैं, ना ही चेक पेमेंट करते हैं, आप उससे सामान क्रेडिट पे उधार में लेके आते हैं दोस्तों। तो ये उस पार्टी का नाम है ABC पार्टी। जब कभी भी हम किसी भी पर्सन से उधार लेते हैं या उधार देते हैं, तो
हमेशा लगभग हर आदमी उसका नाम लिख लेता है कॉपी पे कि फलाना तारीख में इस पर्सन को हमने उधार दिया या इस पर्सन से हमने उधार लिया, ताकि आगे चल के उसका एडजस्टमेंट हो सके। तो दोस्तों ये जो पर्सन है एबीसी पर्सन, इससे हम ऑन क्रेडिट सामान परचेज कर रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों सेल्स है हमारा, सेल्स कैश, एक आदमी आया जो हमने सामान बेचा उसने तुरंत कैश पेमेंट कर दी, दूसरा आदमी आया उसने चेक काट के दिया, और तीसरा जो पर्सन है थर्ड पर्सन, ये हमसे उधार में सामान ले जा रहा है और उस आदमी का नाम है एक्स वाई जेड। तो इसका भी हम नाम लिख लेंगे पार्टी का। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमें लेजर बनाना है। तो लेजर बनाते समय दोस्तों लेजर का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन चाहे जितनी बार हो अलग अलग डेट में या सेम डेट में, उससे हमको कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन बट लेज़र एटलीस्ट एक बार एंट्री होनी चाहिए और लेज़र की एक बार ही एंट्री होनी चाहिए। तो दोस्तों परचेज यहाँ पे भी है, परचेज यहाँ पे भी है, परचेज यहाँ पे भी है, तीन बार परचेज है। तो हम एक बार परचेज की एंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पार्टी के नाम की एंट्री कर देंगे। इसी तरह से दोस्तों सेल्स की एंट्री करेंगे और सेल्स एक्स वाई जेड जो पार्टी का नेम है इसकी हम एंट्री कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए एबीसी और एक्स वाई जेड ही रखूँगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि एबीसी से हमने परचेज किया है और एक्स वाई जेड से हमने सेल किया हुआ है। तो आइए यहाँ पे परचेज का लेजर देखते हैं। परचेज का बन गया, अब पार्टी कहाँ बनाते हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों ये हमारा जो लेज़र होता है ये पार्टी लेज़र होते हैं, और पार्टी के लेज़र हमारे दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर वे लेज़र्स होते हैं जिसको उन पार्टी के लेज़र्स होते हैं जिन पार्टियों को हम बाद में पेमेंट करेंगे, यानी कि कंपनी आगे भविष्य में पेमेंट करेगी, ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेल्स देखेंगे, सेल्स अकाउंट। एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों ये भी पार्टी लेजर है हमारा, ये हमारा सनरी डेबिटर होगा। दोस्तों सनरी डेटर वे पार्टी के लेजर्स होते हैं जो भविष्य में कंपनी को पेमेंट करेंगे, यानी कि ये कंपनी को पैसा देंगे, हमको पैसा पे करेंगे, और ये हमारे कंपनी के लिए असेट्स होते हैं दोस्तों। इसी तरह से हमारा आगे लेजर है, फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, लैंड है, एप्रिसिएशन ऑन लैंड है, फर्नीचर दोस्तों फिक्स असेट्स होता है हमारा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दोस्तों ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, लैंड फिक्स असेट्स, एप्रिसिएशन ऑन लैंड इनडायरेक्ट इनकम होगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। दोस्तों इसी तरह से लेजर्स को हम क्रिएट कर लेंगे। दोस्तों ये लेजर बन गए आपके सारे, ये लेजर हैं और इसके अंडर सारे हैं। दोस्तों मैंने लिस्ट जारी की थी यहाँ पे, ये इस लिस्ट को मैं फिर से एक बार आराम से स्क्रॉल कर देता हूँ, इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लें कौन सा ग्रुप कौन से अंडर में आएगा, कौन सा लेजर कौन से अंडर में आएगा, कौन से वाउचर में जाएगा, ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर ये चीज़ लर्न नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी दोस्तों, ये जो है आप लोग नोट कर लें एक बार। अब यहाँ पे टैली में हमारे लेजर्स बन चुके हैं, इसके बाद हमें वाउचर एंट्री करनी है। बाहर आएंगे दोस्तों, वाउचर एंट्री लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, उसमें बेसिक एंट्रीज थी, इसमें कुछ एडवांस टाइप की एंट्रीज हैं जिसे हम लोग देखेंगे, जैसे कमीशन रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, एप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन लगाया, ये सभी एंट्रीज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे, यहाँ पे गए, यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सबसे पहले हमारा पे ये वाउचर आएगा पेमेंट, तो सीरियल वाइज हमें वर्किंग करनी है। यहाँ से लेजर्स देखेंगे, कैपिटल से कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल की एंट्री होगी। कैपिटल की एंट्री F6 रिसिप्ट में होती है, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। एंटर करेंगे, यहाँ पे कैपिटल ले लेंगे 50 लाख रुपए। बाय कैश दोस्तों, ये हो गया हमारा कैपिटल की एंट्री। डेट वाली प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, डेट वाइज एंट्री हम बताएंगे आगे, फिलहाल मैं ये प्रॉब्लम दूर किए देता हूँ। दोस्तों ये मैं आगे बताऊंगा, आप लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी कैपिटल की एंट्री हो गई। अब हमें बैंक से डिपॉजिट और विड्रॉल करना है, 25 लाख रुपए डिपॉजिट करने हैं और 5 लाख रुपए विड्रॉल करने हैं। कॉन्ट्रा में F4 में चले गए दोस्तों। इसमें मैं थोड़ा सा फास्ट वर्किंग करूँगा, जिन फ्रेंड्स को समझ में नहीं आ रहा है ये, तो इसके पिछले वाला लेक्चर नंबर 6 ज़रूर देख लें, उसमें मैंने बिल्कुल एक एक चीज़ आराम से की गई है। इसमें जो एडवांस लेजर्स हैं उसको मैं सही से समझाऊँगा, बाकी चीज़ें मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा स्पीडली, ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय ना लिया जाए। डिपॉजिट करना है, कैश क्रेडिट होगा 25 लाख रुपए, ICICI बैंक में हमने 25 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए। ये दोस्तों एंट्रीज हमें देनी होती हैं, अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो एंटर करके स्किप कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमें बैंक से विड्रॉल करना है, तो बैंक हमारा क्रेडिट होगा 5 लाख रुपए। कैश एंटर करेंगे, सेव हो गया हमारा। अब हमें परचेज करना है, परचेज कैश 30,000, परचेज बैंक 40,000, परचेज ABC 50,000 रुपये। दोस्तों ये हमारा परचेज आ गया। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी एक्टिवेटेड है, इसको हम ऑफ कर देंगे, इसके लिए हमें बाहर जाना होगा। यहाँ पे हम F11 प्रेस करेंगे दोस्तों। F11 करने के बाद कंपनी फीचर्स आ जाता है हमारा, कंपनी फीचर्स में जाएंगे, स्टेट इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे, एंटर करेंगे, एंटर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है इस पोजीशन पे, ये इसको नो कर देंगे। यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स को नो करने के बाद हमने एंटर किया, या कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। वापस बाहर आ जाएंगे दोस्तों, वाउचर एंट्री में परचेस। यहाँ पे एक चीज़ मैंने कल बताई थी लास्ट वीडियो में, नेम ऑफ आइटम्स लिखा हुआ है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड में इस जगह पे एज वाउचर पे क्लिक करेंगे, या हम कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे। अब हमारा सही हो गया दोस्तों। यहाँ पे हमें परचेज करना है, पहले परचेज कैश करना है, यहाँ पे कैश ले लेंगे। ये मेनू आया हमारा दोस्तों, यहाँ पे सप्लायर की डिटेल्स होती है, और डिटेल्स हमारे पास नहीं है तो कंट्रोल ए करके इसको स्किप करके हम बाहर जा सकते हैं अगले स्टेप में। अमाउंट देखते हैं, 30,000, 40,000, 50,000 दोस्तों, 30,000।
बाई परचेज, एंटर करते जाएंगे। हमारी परचेज की एंट्री फिनिश्ड हो गई कैश की। नेक्स्ट दोस्तों हमें परचेज बैंक की एंट्री करनी है, तो क्रेडिट में हम ICICI बैंक ले लेंगे। इसको कंट्रोल ए कर देंगे, इसकी फोके आगे आ जाएंगे हम। यहाँ से हमारा ये परचेज बैंक हो गया। नेक्स्ट एंट्री हमें परचेज ABC पार्टी से करनी है, तो ABC पार्टी यहाँ पे ले लेंगे 50,000। ये 50,000 हो गया, एंटर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे मोड ऑफ एडजस्टमेंट शो कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो ABC से परचेजिंग हम करेंगे या XYZ पार्टी को जो हम सेल करेंगे, ये दोनों हमारा ऑन क्रेडिट होता है, यानी कि उधारी में होता है। तो दोस्तों जब उधार में होगा तो इसका आगे चल के हम एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि लेन देन का जो भी बैलेंस पेमेंट है उसको हम क्लियर करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे मोड ऑफ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट हमें देना होता है। तो इस ABC से पहला ट्रांसेक्शन हो रहा है, इसलिए हम न्यू रेफरेंस लेंगे यहाँ से, एंटर, और यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नंबर दे देंगे। जैसे मान लीजिए हम नाम ही दे देते हैं ABC 1, एंटर एंटर करेंगे, और एंटर करके परचेज के साथ में यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद से दोस्तों हमें सेल की एंट्री करनी है, F8 प्रेस करेंगे, सेल्स में चले जाएंगे। अगेन हमारे सामने वही प्रॉब्लम है, नेम ऑफ आइटम्स वाली, यहाँ पे देखिए इसको ठीक कर लेंगे, Ctrl+V करके हमारा डेबिट क्रेडिट आ गया। अब हमें सेल्स कैश करना है, अमाउंट देख लेते हैं। सेल्स कैश ये 7,000 नहीं है, ये 70,000 होगा, इसको 70,000 कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों कैश ले लेंगे, कैश डेबिट होगा 70,000। सेल्स एंटर, ये सेल्स कैश हो गया हमारा। अगेन हम बैंक डेबिट कर लेंगे, सेल्स बैंक, इसको हम ले लेते हैं 80,000। कंट्रोल ए कर देंगे। इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ से पार्टी XYZ, 1,00,000 रुपए है इससे। यहाँ पे भी न्यू रेफरेंस होगा हमारा XYZ रेफरेंस नंबर 1। तो दोस्तों यहाँ पे ड्यू डेट दिखा रहा है कि कब देना है हमको। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए सपोज हमने कहा कि 5 दिन बाद देंगे, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो 5 डेज बाद जो है अगली डेट आ जाएगी, यहाँ पे ड्यू डेट आ जाएगी। एंटर करेंगे, सेल्स एंटर करके इसको हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों एंट्री हमारी फर्नीचर की एंट्री पेमेंट में होगी, क्योंकि हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और चूंकि हमारा ये फिक्स असेट्स है, और इस जो फर्नीचर है हमारा ये ऑफिस पर्पस से हम खरीद रहे हैं दोस्तों। तो जो भी चीज़ें ऑफिस पर्पस से हम परचेज करेंगे उसको हम दोबारा सेल आउट नहीं करेंगे, वो हमारे यूज़ में रहेगा, तो उसे हम लोग पेमेंट में जाके एंट्री उसकी करेंगे। तो यहाँ पे हम गए फर्नीचर है 40,000, बाय कैश। इसके बाद दोस्तों डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर है, देखते हैं। ये देखिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 25% 40,000 का। तो यहाँ आते हैं, पहले तो 40,000 का 25% हम कैलकुलेट करेंगे,
इसके लिए दोस्तों हम लोग कैलकुलेटर में चले जाएंगे, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 40,000, मल्टीप्लाइड बाई 25 और परसेंटेज का सिंबल। ये एरर आ गया दोस्तों। ये आ गया हमारा 10,000। अब दोस्तों वापस हमें मेन मेनू मेन स्क्रीन पे आना है यहाँ पे, तो कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे और हम वापस आ जाएंगे। यहाँ पे हमने ले लिया एप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आइए हम लोग ज़रा एप्रिसिएशन की लेजर एंट्री देख लेते हैं कि ये कैसे हुई है। सॉरी, डेप्रिसिएशन की, ये देखिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। दोस्तों इसमें कहीं पे भी ना ही डेबिट में ना ही क्रेडिट में कहीं पे भी कैश या बैंक हमारा शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं उसे हम लोग कहते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें कहीं पे भी कैश और बैंक मेंशन नहीं होता है। और नॉन कैश ट्रांजैक्शन की जो भी एंट्रीज होती हैं दोस्तों उसे हम लोग करते हैं जर्नल में। यहाँ पे जाइए डेप्रिसिएशन, यहाँ से देखिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा हुआ है और ये जर्नल में होगा और जर्नल F7 से आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चले गए, F7 बटन प्रेस करेंगे, जर्नल आ गया हमारा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 का बाई फर्नीचर, सॉरी टू फर्नीचर। ये हमारी दोस्तों फर्नीचर की एंट्री हो गई। दोस्तों यहाँ से पेमेंट में जाएंगे, लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड है हमारा 2 लाख रुपए का, कैश। अब दोस्तों अगेन एप्रिसिएशन ऑन लैंड, ये भी नॉन कैश ट्रांसैक्शन है हमारा, तो इसके लिए भी F7 में जाएंगे और यहाँ पे लैंड अकाउंट डेबिट टू एप्रिसिएशन ऑन लैंड हो जाएगा। एप्रिसिएशन कितना परसेंट है, 40% है, तो 2 लाख का 40% निकाल लेंगे दोस्तों। कंट्रोल प्लस एन, 2 लाख, ये 80,000 आ गया। कंट्रोल एम करेंगे, वापस आ जाएंगे हम मेन मेनू में, 80,000 एप्रिसिएशन ऑन लैंड हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री दोस्तों डेप्रिसिएशन हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, फिर रिटर्न्स हो गए, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो गए, ये सभी हमारे नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं और नॉन कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री हम लोग जर्नल में करते हैं। F7 शॉर्टकट की है, एंटर। दोस्तों इसके बाद से हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है, कस्टम चार्जेज है, गोडाउन रेंट है, वेजेज है, सैलरी है, फ्यूल है, कोल गैस एंड वाटर है, इंपोर्ट चार्जेज है, एक्सपोर्ट चार्जेज है, लैंडिंग चार्जेज है, लॉ चार्जेज है, कमीशन है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, सैम्पल एक्सपेंसेस है, ये सभी हमारे एक्सपेंसेस है दोस्तों। और इन सब की एंट्री पेमेंट में होगी। जैसे फैक्ट्री एक्सपेंस की एंट्री हम करते हैं, पेमेंट है ऊपर, यहाँ से F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पे हमने लिखा
फैक्ट्री एक्सपेंसेस अमाउंट इसका 5000, बाय कैश एंटर करेंगे, ये हमारा सेव हो गया। दोस्तों इसी तरह से सारी जितनी भी एक्सपेंसेस की एंट्रीज हैं ये सभी आप लोग कर लेंगे इसमें। और इसमें जो नई एंट्री है वो है आपका रेंट रिसीप्ट कमीशन रिसीप्ट की, तो इसकी एंट्री हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये दोनों हमारे इनकम है, रेंट रिसीप्ट इनकम है, कमीशन रिसीप्ट इनकम है, तो इन दोनों की एंट्री हम लोग करते हैं रिसिप्ट वाउचर में। रेंट रिसिप्ट 1 लाख, कमीशन रिसिप्ट 75,000। तो यहाँ से दोस्तों रिसिप्ट वाउचर में F6 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ये हमारा रिसिप्ट वाउचर आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमें लेना है रेंट रिसिप्ट 1 लाख रुपए बाय कैश, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा दोस्तों, ये हमें रिसीव हो रहा है, ये कंपनी के लिए इनकम होता है। और कमीशन रिसीव्ड हमारा ये आ जाएगा 75,000 रुपये, ये भी कैश रिसीव हो जाएगा, कंपनी के लिए दोस्तों प्रॉफिट होता है। क्लियर है? तो दोस्तों ये हो गया हमारा। इस तरह से सारी एंट्रीज कर लेंगे आप लोग। एंट्रीज करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आना है प्रॉफिट एंड लॉस पे, शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, पी प्रॉफिट एंड लॉस खुल जाएगा, और यहाँ पे ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर रहा है। नेट प्रॉफिट आपका 12,70,000 आ रहा है। प्रॉफिट ज़्यादा इसलिए आ रहा है कि मैंने एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं की है। यहाँ पे देखिए इसकी सारी एंट्रीज आप लोग कर लेंगे, और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो दोस्तों हमको मेल कर सकता है, उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों आगे के कुछ असाइनमेंट्स मैं देता हूँ, ये असाइनमेंट्स नंबर 2 था, ये असाइनमेंट नंबर 3 है आपका, ये देख लीजिए दोस्तों, ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, इसको कॉपी पे एक एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कैपिटल 50, पचास लाख रुपए, बैंक डिपॉजिट 30 लाख रुपए, बैंक विड्रॉल 5 लाख रुपए, परचेज कैश, परचेज बैंक, परचेज ABC, सेल्स कैश, सेल्स बैंक, सेल्स XYZ, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, लैंड, एप्रिसिएशन ऑन लैंड, कोल गैस एंड वाटर, फ्यूल, लैंडिंग चार्जेस, लॉ चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंपोर्ट चार्जेस, एक्सपोर्ट चार्जेस, कंज्यूमेबल स्टोर्स, लाइसेंस फीस, ऑडिट फीस, परचेज रिटर्न, सैलरी, ड्राइंग, ये हमारे नेक्स्ट असाइनमेंट के लेजर हैं। दोस्तों इसकी यहाँ पे जनरल एंट्री भी दी गई है, जनरल एंट्री में अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी आप लोग पास करके देखते रहिए। इसको हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों ये हमारा स्क्रॉल हो रहा है, ये हो गया। दोस्तों इसके बाद से हमारा असाइनमेंट नंबर 4 आ जाएगा, ये असाइनमेंट नंबर 4 है, इसको भी आप लोग कॉपी पेन पे लिख लें और इस असाइनमेंट्स को करें। इसमें कुछ एडवांस लेजर्स दिए गए हैं, ये देखिए सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न का दिया हुआ है और ये इसकी एंट्री है।
ये है दोस्तों। तो दोस्तों इन असाइनमेंट्स को करिए, और कभी बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट करिए वीडियो पे, या आप हमको मेल कर सकते हैं, प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग आज समझेंगे बैलेंस शीट। मैंने बोला था बैलेंस शीट समझने के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, बैलेंस शीट पे जाएंगे, ऑल्ट F1 से डिटेल्स कर देंगे। दोस्तों बैलेंस शीट में भी दो साइड होता है हमारा, एक लेफ्ट साइड होता है पूरा, ये प्रॉपर लेफ्ट साइड है, और ये पूरा प्रॉपर हमारा राइट साइड होता है। दोस्तों बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज़ शो करती हैं। लाइबिलिटीज़ दोस्तों, लाइबिलिटी का मतलब ये है कि जो हमारे दायित्व हैं, जो हमें कंप्लीट करना है, जो हमें किसी को पे करना है, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे शो कर रहा है, इस पार्टी को हमें पेमेंट करना है, ये हमारी लाइबिलिटी है कि इन्हें हमें पेमेंट करना है। इसी तरह से जैसे टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो भी हमारी लाइबिलिटी होती है, तो वो सब दोस्तों हमारा लेफ्ट स्क्रीन पे शो करता है। राइट साइड में दोस्तों हमारे असेट्स शो करते हैं, असेट्स यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी है। दोस्तों असेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स असेट्स, दूसरा होता है करंट असेट्स। दोस्तों फिक्स असेट्स वे होते हैं जिन्हें कैश में कन्वर्ट करने में समय लगता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी हमारे पास आ गई और हमारे पास पैसा नहीं है, हमें ज़मीन बेचनी है, तो ज़मीन को बेचने में समय लगेगा। तो फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, इस तरह के जो असेट्स होते हैं हमारे, वे फिक्स असेट्स कहलाते हैं। दोस्तों करंट असेट्स क्या होते हैं? जिनसे तुरंत हम कैश प्राप्त कर सकें, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास जो बचा हुआ है वो हमारे पास करंट असेट्स है। सन्ड्री डेप्टर, जिस पार्टी से हमें पेमेंट मिलना है वो हमारे पास करंट असेट्स है, जब ज़रूरत लगेगी हम मांग लेंगे। कैश इन हैंड, जो हमारे पास कैश बचा हुआ है वो हमारे पास करंट असेट्स है। बैंक अकाउंट, जो हमारे पास बैंक में पैसा बचा हुआ है वो भी हमारे पास करंट असेट्स है। तो दोस्तों ये हमारा राइट साइड में असेट्स सारे शो करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो रहा, इसको टैली को क्लोज कर देंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को देखते रहिए, और ये मेरी मेल आईडी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस पे आप लोग मेल कर सकते हैं। मेरे वीडियो को सर्च करने के लिए टैली बाय विष्णु सर youtube.com पे लिखें, और इससे मेरा चैनल आ जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से दोस्तों ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचेगा जो पे करके सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग भी इसको सीख सकते हैं, जिससे कि किसी न किसी माध्यम से किसी की मदद हो सकती है। थैंक यू दोस्तों।